पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, बेसहारा बच्चों की मदद करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश पर बोले पूर्व मंत्री, ऐसे बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल बनाना चाहिए जहां उनकी शिक्षा और रहने की व्यवस्था की जाए। हमारे नेता कमलनाथ ने पहले ही मांग की थी कि ऐसे परिवारों को 4 लाख रुपए देने की मदद की जाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। इंजेक्शन मिल रहा था 2 दिन पहले तक, लेकिन अचानक इंजेक्शन गायब हो गए हमारे तरफ से, अब उसके इंजेक्शन भी काला बाजारी शुरू हो गया। निश्चित तौर पर काला बाजारी पे सरकार रोक नहीं लगाई पाई, पहले दिन से लगाना था, उसमें ही फेल है। और इंजेक्शंस अभी भी रोज 2-4 फोन मेरे पास आते हैं कि सब इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इंजेक्शन, लेकिन काला बाजार में अगर चले जाओगे आप तो आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा। सर, लोग फ्रॉड बुक करके जा रहे हैं, वैक्सीन करवाने जा रहे हैं। सर, मैंने ट्वीट किया कि कोई भी मुझे लेने एयरपोर्ट ना आए, ना तो कलेक्टर आए ना कमिश्नर आए, ऐसा पहले करते थे तो काम कर लेते थे। नहीं, मुख्यमंत्री जी से मेरा ये कहना है कि आपने ये किया ठीक किया, लेकिन इतना कर दो कि मीटिंगें इतनी मत लो कि डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए और कलेक्टर वो व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए मीटिंगें छोड़ो सर, निर्देश दीजिए आप तो कि ये करो, जो आपके पास एक्सपर्ट से चीजें आ रही है उसको निर्देशित कर दीजिए। घंटों मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। नारायण से पार्टी ने पत्र तो गनीमत है कि स्वास्थ्य मंत्री निकले तो बाहर, नहीं तो अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि स्वास्थ्य मंत्री है कौन। वो गए तो लोगों को पता लगा होगा कि भैया स्वास्थ्य मंत्री ये हैं, लोग अभी वहाँ सिलावट जी को ही समझ रहे होंगे यही स्वास्थ्य मंत्री है। पर कुल मिलाकर मंत्रियों से ये निवेदन है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग इससे बाहर निकल के आए, कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को राहत मिले। ठीक है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में दमोह इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद सब जगह या तो ट्वीट से बात हो रही है या पत्रों से बात हो रही है, और रार जिसको कहते हैं वो जमकी चलाओ। दूसरा क्या है कि नारायण त्रिपाठी जी भी ये सोच रहे होंगे कि भैया पत्र के माध्यम से जनता को तो बता दें कि हमने तो कोशिश की, पर मुख्यमंत्री या शासन कर नहीं रहा तो हम क्या करें। और पहले लोगों की जान, ऑक्सीजन और इंजेक्शंस, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने से हुई, अब लोगों की जान इससे जाएगी कि उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही। आज भी 18+ हो या 45 भटक रहे लोग, वैक्सीन के मामले में ही सरकार फेल हो गई। पहले इलाज के मामले में कोरोना के फेल हुई, अब वैक्सीन के मामले में फेल। सिस्टम नहीं है वैक्सीन लगाने का ठीक, इसमें तो पहले ये होना था कि भैया लाइन में लग जाइए, जो आया उसको आधार कार्ड है उसका वैक्सीन लगाओ, कोई 2 बार तो लगाएगा नहीं कि भैया इसमें कोई वो हो जाएगा हेरा फेरी, जो आता जाए उसको लगाते जाइए। पर इनके पास वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन पहले केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ कितने भेज दिए विदेशों में, अगर वो आज होते तो मैं समझता हूँ कि अभी इतनी मारामारी नहीं होती। और दूसरी चीज़, ये गरीब आदमी नहीं जा रहा लगाने, इसको तो पल्स पोलियो की तरह घर घर लगाना पड़ेगा। ये सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए कि घर चले जाओ और उनको वैक्सीन लगा दो, हर घर में बोल दो भैया 10 आदमी इकट्ठे हो जाओ, अगर वहाँ 10 हैं ठीक है, नहीं तो मोहल्ले के पड़ोस वालों को बुला लो, घर घर वैक्सीन लगेंगे तभी सफल होगा, नहीं तो जो अभी चल रहा है तो ये लगेगा 5-6 साल, जब तक पता नहीं कितने रोगी जान चली जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।